ये गौ माता बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए उसके अंदर क्षमता नहीं है बच्चे को बाहर फेंकने की, और बेहोश जैसी स्थिति में हो गई है, तो इसीलिए हम लोगों को उसको मदद करना पड़ता है बच्चा निकालने में। तमें है ना आवाज भरी जो तमने को आवाज भरी आने से हम धक्को मार दी और ये मदद करने का तरीका ऐसा है कि नीचे की ओर ही बच्चा खींचा जाए। और बच्चा निकल जाने के बाद तुरंत उसको उल्टा लटकाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो लंबा समय डिलीवरी में होता है ऐसे केस में बच्चे के मुंह के अंदर पानी जाने की संभावना है, जो कि हम तुरंत उसको उल्टा लटका देते हैं तो पानी जाने की संभावना टल जाती है एकदम बिल्कुल, और मुंह साफ हो जाता है, श्वास नली साफ हो जाती है। जय गौ माता।